नमस्कार सर, पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। कहते हैं राजनीति संभावनाओं का खेल है। जी हाँ, राजनीति में कब कौन किस तरफ चला जाए कुछ कह नहीं सकते हैं, और बिहार की राजनीति में खासकर इसी चीज़ को देखा जा रहा है। बिहार की राजनीति में लगातार जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही है। जी हाँ, इस बीच बड़ी खबर सामने आई है। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके मुनीश्वर चौधरी जनता दल यूनाइटेड का दामन थामने वाले हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर बता रहे हैं कि मुनीश्वर चौधरी, जी हाँ, एक कद्दावर नेता है और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। अब राष्ट्रीय जनता दल से तो उन्होंने पहले ही अपना वास्ता खत्म कर लिया था, अब वो जदयू में शामिल होने जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने उनका टिकट काट दिया था। उनकी जगह पार्टी ने गरखा विधानसभा सीट से सुरेंद्र राम को उम्मीदवार बनाया था और सुरेंद्र राम ने जीत हासिल की थी। मुनीश्वर चौधरी विधानसभा चुनाव के दौरान जन अधिकार पार्टी में शामिल हो गए थे। जी हाँ, नाराज होकर राष्ट्रीय जनता दल से मुनीश्वर चौधरी ने जाप का दामन थाम लिया था। उन्होंने जाप के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था, लेकिन तीसरे स्थान पर रहे। अब मुनीश्वर चौधरी ने अपनी आगे की जो राजनीति है उसको पटरी पर लाने के लिए जनता दल यूनाइटेड में शामिल होने का फैसला किया है। 13 अगस्त को वह जदयू में शामिल होने जा रहे हैं। मुनीश्वर चौधरी दो दफ़े बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं। पिछली बार यानी कि पिछले साल 2015 में विधानसभा चुनाव के बाद मुनीश्वर चौधरी महागठबंधन की सरकार में मंत्री बने थे। उन्हें खान एवं भूतत्व मंत्रालय का जुम्मा मिला था। साल 2017 में महागठबंधन टूटने तक मंत्री रहे, लेकिन बीते साल विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। इसके बाद मुनीश्वर चौधरी लगातार हाशिए पर चल रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि शायद तेजस्वी यादव उन्हें एक बार फिर से पार्टी में एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब मुनीश्वर चौधरी नीतीश कुमार का नेतृत्व कबूल करने जा रहे हैं। मुनीश्वर चौधरी का नाम पार्टी के इन पुराने नेताओं में शामिल है जो लालू प्रसाद के साथ राजनीति करते रहे। लालू प्रसाद के सहयोगी के तौर पर भी लगातार उन्होंने लंबा राजनीतिक सफर तय किया। गरखा विधानसभा सुरक्षित सीट से वह लगातार 5 बार विधायक रहे, लेकिन पिछले चुनाव में पार्टी ने उनका टिकट काट दिया, जिससे नाराज होकर मुनीश्वर चौधरी ने जाप का दामन थाम लिया था। लेकिन अब जन अधिकार पार्टी को भी छोड़ जनता दल यूनाइटेड में शामिल होने जा रहे हैं मुनीश्वर चौधरी। नीतीश कुमार की नीतियों को अपनाने जा रहे हैं। बिहार में विकास की योजनाएं तेजी से चल रही है। समाज के गरीब कमजोर लोगों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, और नीतीश कुमार से बेहतर नेतृत्व बिहार में और कोई नहीं कर सकता है, मुनीश्वर चौधरी का ऐसा कहना है। और मुनीश्वर चौधरी अब नीतीश कुमार की इसी नीतियों को अपनाने जा रहे हैं। आज गुणगान करते भी नजर आए, और उनका साफ कहना है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा, हम सब आगे बढ़ेंगे, और इसलिए हमने फैसला किया है कि 13 अगस्त को नीतीश कुमार की पार्टी में हम शामिल होंगे, जदयू में शामिल होंगे। मुनीश्वर चौधरी ने अब ये पक्का कर दिया है कि वो 13 तारीख को जदयू का दामन थाम लेंगे। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।